यूपी के रामपुर में 22 जनवरी को 8 वर्षीय नाबालिग बच्चे का शव जंगल में पड़ा मिला था, जिसका आज खुलासा रामपुर एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने मीडिया के सामने किया। एसपी के मुताबिक बच्चे की हत्या अनिल नामक नशेड़ी ने मारपीट कर गला दबाकर कर दी थी। बाद में शव को जंगल में फेंक दिया गया था। हत्या की वजह शौच करने को मना करने और कहासुनी बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश कर उसको जेल भेज दिया है। वहीं इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस घटना का खुलासा कोतवाली मिलक पुलिस और स्वाट क्वाय पुलिस ने मिलकर किया है, जिससे आज पुलिस ने सबूत और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया और घटना का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में थाना मिलक अंतर्गत एक 8 वर्षीय बच्चे की मृत्यु की सूचना 22 तारीख को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे मैं और मेरी पूरी जो टीम है, जिसमें सीओ साहब, हमारे फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड सभी मौके पे पहुंचे थे। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसके खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमारे थाना मिलक की टीम और स्वाट टीम को इस घटना को वर्कआउट करा लिया है। इस घटना में अनिल नाम के एक व्यक्ति जो है वो मेन अभियुक्त है इसका। उसने वो एक स्मैकिया किस्म का व्यक्ति है जो इस बच्चे को वहाँ पर जब वो शौच के लिए जाता था तो उसको अक्सर मना किया करता था। और इसने ये बताया कि उस दिन भी जब उस बच्चे को वहाँ शौच करता हुआ देखा तो इसने बिगड़ के उसके साथ मारपीट की और उसके बाद स्मैक के नशे में उसके गला दबाकर उसकी हत्या कारित कर दी। अनिल का मकान जो है जहाँ बॉडी मिली थी उसके कुछ दूर पर ही था और इसने अपने जुर्म को इसने कबूल भी किया है। ये इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इसको हम लोग जेल भेज रहे हैं और हमारे सीओ मिलक के नेतृत्व में सराहनीय कार्य करने वाली जो हमारी टीम है उनको 10,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। सर, आरोपी का कोई पुराना इतिहास? आरोपी मैंने बताया जिस तरीके से स्मैकिया किस्म का एक व्यक्ति था और इसने ये बताया कि इस कई बार उसने पहले भी शौच के लिए बच्चे को मना किया था और उस दिन भी जब स्मैक के नशे में जब वहां पहुंचा तो पहले उसको झापड़ लगाया और उसके बाद में उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी है और सराहनीय कार्य करने के लिए हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। थैंक यू। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।